I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. Hey, 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 hey! ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछो छोरी के होगो थारो के होगो थारो रानी के तो आपने सोचो है जैसो सुरीलो आवाज वैसी रसीली छोरी है भाइयों बार बचाई है कि अब तो मेरा अपना कुछ नहीं रहा। दिल तुम्हें पहले दे चुकी थी लेकिन अब तो अपनी जान पर भी मेरा कोई हक नहीं। मुझे अपनी जान से ज्यादा तुम्हारी जान की हिफाजत करनी है। लगता है तूफान आने वाला है, आओ कहीं रुक जाते हैं। पता है अर्जुन, मैं सबसे पहले दिल्ली जाकर क्या करूंगी? तो मैं अपने डैडी से मिलवाऊंगी। वो 2-4 दिन बाद अफ्रीका से दिल्ली आ रहे हैं। तो फिर तुम दिल्ली किसके साथ आई हो? डीके अंकल, डीके शर्मा, वो मेरे डैडी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जानते हो अर्जुन, दुनिया में हर लड़की एक ऐसा इंसान चाहती है जिसके अंदर इंसानियत हो, ऐसी मजबूत बाहें जो उसकी हिफाजत कर सके, एक ऐसा दिलवाला जिसके साथ वो अपनी खुशियां और अरमान बांट सके, ऐसा मजबूत कंधा जिस पर सर रखकर सपने सजा सके।
अर्जुन, आई लव यू। आपने अर्जुन को देखा है? नहीं बेबी। आपने अर्जुन को देखा है? मालूम नहीं। शकल देखी? आपने अर्जुन को देखा है? हमें क्या लेना देना? हमारे पड़ोस को भूल जाओ। और आपने तो अर्जुन को देखा होगा। नहीं, हमने नहीं देखा। हमने सारी ट्रेन छान मारी। शूट है। अर्जुन कहीं नहीं मिला। बेबी, वो आएगा। चलो टीना बेबी, अभी हमें बंगले पर पहुंचना है। आज तुम्हारा पापा के साथ रिटर्न फ्लाइट भी है। चलो टीना बेबी, चलो। यकीन नहीं होता जब किस्मत साथ देती है तो मंजिल खुद ब खुद इंसान के सामने चलकर आ जाती है। हाँ, आज यहाँ अंडरवर्ल्ड की नई हिस्ट्री लिखी जाएगी। आरएस और ब्लैक जॉन, इन दोनों की कई सालों से जंग चल रही थी और आज इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया। दो बड़ी ताकतें मिलके एक हो गई, और जब दो पावर्स मिलती हैं तो हालात काफी एक्सप्लोजिव हो जाते हैं। यू नो व्हाट आई मीन? आओ तुम्हें आरएस से मिलवाती हूँ। हे आरएस। हेलो। हाय। Wow, what a nice hat. Thank you. And a very nice party indeed. Oh, thank you. तो ये पार्टी आपने अपनी बेटी के आने की खुशी में थ्रो की है या कॉम्प्रोमाइज के लिए? No, कॉम्प्रोमाइज तो सिर्फ बहाना है। ये पार्टी हमने अपने जिगर के टुकड़े की खातिर दी है। My darling daughter Tina. 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 Meet Kamini, the sweetheart of this town. Glad to meet you. Me too. आपके साथ जो साहब आए हैं उनसे मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे? Sure. टीना, कामिनी के बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें कम हो जाए या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत फर्क पड़ता है आरएस। जिनकी जगह दिल में होती है उनका नाम लिस्ट में नहीं होता। एंड ही इज माय लास्ट चॉइस। ओके। रियली। जॉन, लेट्स मूव। या। लगता है पुरानी जान पहचान है। पुरानी नहीं, नहीं। और वैसे भी इन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे मैं इन्हें बरसों से जानता हूँ। अक्सर हमें लगता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, पर सच्चाई ये है कि एक दूसरे को जानते हुए भी पहचानते नहीं, क्योंकि इंसान की नियत का कोई भरोसा नहीं होता। क्या मतलब? ये सब कैसे हुआ डैडी? आज तक आपने किसी का बुरा नहीं किया। हा? फिर आपके ऊपर ही जानलेवा हमला किसने किया? आपको पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। उन लोगों को अरेस्ट करवाना चाहिए। करेंगे ना बेटी। ये ब्लैक जॉन ने हमसे दाहिना हाथ मिलाकर बाएं हाथ से हम पर वार किया है बेटे। वो गद्दार है, और गद्दार को सजा जरूर मिलेगी बेटे। महाराज, अर्जुन मेरी जिंदगी और मौत के बीच में ढाल बनकर खड़ा ना होता ना, पता नहीं मैं इसका कर्ज कैसे चुकाऊंगा। मैंने जो कुछ भी किया है अपना समझ के किया है। इसे कर्ज का नाम देके मुझे पराया मत बनाइए सर। सच, अपने प्यार और भरोसा जीतने की खातिर उम्मीदें जगाकर मौका आने पर धोखा दे जाते हैं। बेटे, सच्चे इंसान को पहचानने में आरएस ने कभी गलती नहीं की है। इसकी आंखों में सच्चाई है। देखो, परदेश में अपनी जान पर खेलकर ऐसा कोई कर सकता है? सिर्फ वही कर सकता है जो अपना देशवासी हो। अर्जुन। यस सर। मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? मैं तो खुद यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन यहाँ के देखा हमारे मुल्क से ज्यादा बेरोजगारी यहाँ पर है। बेटे, तुम बेरोजगार थे
अब रोजगार की बात छोड़ो, आज और अभी से तुम मेरे साथ काम करोगे। मंजिल को तरसते थे, लो सामने है मंजिल। अर्जुन, क्या मेरे अलावा भी तुम्हारी और कोई मंजिल है? राज कहने से बात पराई हो जाती है, और पराए कभी अपने नहीं होते, ट्रस्ट मी। अर्जुन, अर्जुन, तुम्हें आरएस साहब ने चेंबर में बुलाया है। मैं अभी आया। हाँ। टीना, तुम किस गुनाह की सजा दे रहे हो? तुम मुझे कौन सी गलती का बदला ले रहे हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा कामनी के साथ? यूं ही तड़पा तड़पा के मारना था तो इंडिया में जगह जगह पर मेरी जान क्यों बचाते रहे? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते तुम? क्यों नहीं देते? दूंगा, तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 11 बजे फोर्ट पर आना होगा। नहीं, मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगा। बहुत प्यार करती हो ना तुम मुझसे? क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? इतना प्यार करता हूं कि कहते कहते मेरे शब्द खत्म हो जाएंगे, और सुनते सुनते तुम्हारी जिंदगी। मुझ पे भरोसा करो टीना। सच कह रहे हो ना तुम अर्जुन? फिर कहीं धोखा तो नहीं दोगे? आई लव यू अर्जुन। आई लव यू टीना। आई लव यू। तुम, ये जगह तुम्हें किसने बताई? सरदार विचित्र सिंह ने। मैं उस राजू सिंह की लंका का भेदी हूं। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, विचित्र सिंह की हत्या आरएस ने कर दी। नहीं, ये झूठ है। मेरे डैडी किसी का मर्डर नहीं कर सकते। अब झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तो क्या ये भी झूठ है कि तुम्हारे पाप ने कामिनी को मार डाला, और आज विचित्र सिंह को भी खत्म कर दिया उसने? तो क्या यह भी झूठ है कि तुम्हारा बाप ड्रग ट्रैफिकिंग से लेकर लड़कियों की प्रोस्टिट्यूशन जैसे घिनौने धंधे भी करता है? रज्जो सिंह, उसने मेरी मां की आंखों के सामने मेरे बाप को मार डाला, और मेरी बहन को उठा के लेके चला गया उसे बाजार में बेचने के लिए। मेरी मां इस सदमे से पागल हो गई। वो आज तक हर पल पूजा का इंतजार करती है, और अगर मैंने पूजा को अपनी मां से नहीं मिलाया तो वो मर जाएगी। और ये सब कुछ तुम्हारे बाप की वजह से हुआ, तुम्हारे बाप की वजह से। उसने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया है। मैं रज्जो सिंह और उसके अंडरवर्ल्ड को तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा उसे मैं। और इस जंग में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे अर्जुन। तुम्हारी बहन जहां भी हो, बिना कोई शर्त तुम्हें लौटाई जाएगी। टीना, मेरे बच्चे, तेरे बिना। टीना। पापा। टीना, हैरान हो आप मुझे देखकर? नहीं बच्चे, हम तो खुश हैं कि मेरी बेटी लौट आई। जिंदा लौट आई, उसका दुख होगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी किडनैपिंग के बाद तो हमने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तुम्हें सही सलामत देख के बेटा जान में जान आई है। और उन मासूम जानों का क्या जो आपने ली है? कौन सी जाने,
क्या भक रही हो? बाबू याद है जिसे मारकर उसकी बेटी को उठा लाए थे आप? अर्जुन उसी बाबू का बेटा है और उसी मासूम पूजा का भाई। पापा बताइए, अर्जुन की बहन कहाँ है? हमें क्या मालूम, अर्जुन अभी तो हिंदुस्तान से आया है, उसे पता होगा। हमें तो मुल्क छोड़े हुए परस हो चुके हैं। पापा आप झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ? मैं झूठ बोलूंगा? समझ गया, ये अर्जुन ने तुम्हें भड़काया है, वो बाप और बेटी के बीच में दरार डालना चाहता है, ये उसकी चाल है। पापा ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप मुझे सफाई दे रहे हैं। सफाई किस बात की दूंगा तुम्हें, मैं सच बोल रहा हूँ बेटी। फिर अर्जुन ने मुझे किडनैप क्यों किया? जाहिर सी बात है, पैसों के लिए। तुम जानती तो हो वो एक खतरनाक मुजरिम है, तुम्हें मालूम है उसने कामनी का खून किया है। आपने कामनी को मरवाया था, उस टैक्सी ड्राइवर को भी आपने मरवाया था, और न जाने कितने मासूमों की जानें ली होगी आपने। आप अर्जुन की बहन को बेचने के लिए लाए थे ना, उन मासूम मजबूर बेसहारा लड़कियों का व्यापार करके आप बेहद अमीर हो जाएंगे क्या? तो लीजिए पापा, पहले अपनी बेटी को बेच दीजिए, एक मनी क्रेजी बाप का बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। मैं उसकी बेटी उसके हाथों अपनी इज्जत भी पाने के लिए तैयार हूँ। बेच दीजिए मुझे, बेच दीजिए पापा मुझे, बेच दीजिए, बेच दीजिए मुझे। गोली मचा ले बेटा। मैं आपसे आखिरी बार पूछती हूँ, अर्जुन की बहन कहाँ है? सब बता दो बेटा, मैं तेरे बिना जी नहीं सकूंगा बेटा, मुझे ऐसी सजा मत दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं गुनहगार हूँ बेटे। ये सच है कि पैसे की लालच ने मुझे बहुत बुरा आदमी बना दिया, ये सच है बेटे। मेरे कर्मों की परछाई तुझ पर ना पड़े, मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर तुझको अपने से बहुत दूर रखा। मैं अपनी कायरता और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूंगा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं अपने इस बाप को माफ कर दे बेटा, अपने इस बाप को माफ कर दे। तू यहां अर्जुन को बुला ला, मैं अर्जुन को उसकी बहन तक पहुंचा दूंगा, ठीक है बेटा? ठीक है पापा। अर्जुन। टीना, अर्जुन मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, इंसानियत के नाम पर कलंक हूं, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मेरी बहन कहां है? तुम बहुत किस्मत वाले हो अर्जुन, तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का समय है। अगर तुमने मुझसे कल पूछा था कि तुम्हारी बहन कहां है तो शायद वो बिक चुकी होती। हाँ, मगर अब ऐसा नहीं होगा। आओ मेरे। रज्जू सिंह मेरी बहन का है। रज्जू सिंह, सिर्फ तुम्हें ही मालूम है मेरी बहन का है। कौन सी जगह पर है रज्जू सिंह? प्लीज रज्जू सिंह, तुम ऐसे नहीं मर सकते, बताओ मेरी बहन का है, कहाँ है मेरी बहन? हाँ बोलो बोलो। जाओ अर्जुन, रॉकी का पीछा करो, अब वही तुम्हें तुम्हारी बहन तक पहुंचा सकता है। पापा ने कहा था ना कि तुम्हारे पास सिर्फ आज की रात है, तुम्हारे यहाँ रहने से मेरे पापा तो वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन अगर तुम वहां नहीं पहुंचे तो बहुत देर हो जाएगी। नमस्कार, मुंबई हवाई अड्डे पर सभी यात्रियों का मैंने कहा था तुमसे जीत मेरे अर्जुन की होगी, तुम अपनी तलाश में कामयाब हुए। अर्जुन माँ जी, माँ ये टीना, ये वो मुझे मालूम है, भाई सब ने बताया मुझे।
किस्मत ने एक बेटी छीनी थी, भगवान ने दो बेटियां लौटा दी। शाबाश बेटी, चलो, चलो, चलो। To get access to blockbuster Bollywood movies, subscribe to Shemaroo Me now.